मेरी कुंडली दीजिए ना। नहीं नहीं दूंगा। क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों देख रहे हैं? आपको पैसा चाहिए ना, ये लो रख लो, मेरी कुंडली मुझे दे दीजिए बाबा जी। कहा ना, नहीं दूंगा। अरे वो बेकार की कुंडली है, दे दीजिए। आखिर ऐसा क्या कह दिया, तो आप इतना जोर से चिल्ला रहे? मैंने सिर्फ कुंडली मांगी तो दे दीजिए ना, एक ही कॉपी है मेरे पास, माँ मेरा दिमाग खा जाएगी, दे दो ना बाबा। ये बहुत महान जन्मपत्री है, ये किस श्रेष्ठ इंसान की जन्मपत्री है पता है तुम्हें? आपको क्या मैं कोई जोकर नजर आता हूँ बाबा? उस बाबा ने इसे बकवास कह के उठा के फेंक दिया और आप इसे एकदम महान बोल रहे हैं। आप दोनों एक ही नाटक कंपनी के हैं क्या? बाबा दे दो ना मेरी कुंडली। नहीं। मम्मी देखो ना मम्मी। तुम कौन हो, तुम जानते हो क्या तुम्हारे दादा कितने महान पुरुष थे पता है तुम्हें? वो जिस जगह कदम रखते हैं, जिस मिट्टी को छूले वो सोना बन जाती है, सोना। पवित्र आत्मा थे तुम्हारे दादा, महात्माओं के महात्मा। बाबा मैं माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे दादा एक रिटायर्ड पोस्ट मास्टर है, घर में आराम कर रहे हैं, मैं उन्हें प्यार से चित्रगुप्त कहता हूँ। विश्वास नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा, मेरी बातों का तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? ठीक है कर लिया विश्वास, चलो मम्मी। अरे आप क्या खड़े खड़े देख रही है, चलिए ना बेटा की बात कर जाओ। अरे जन्म का रहस्य तुम्हें नहीं पता है, देख रही हो जो अपनी माँ के साथ जा रहा है? वो लड़का? भागो यहाँ से। वो एक दिन आएगा, अवश्य आएगा, और आकर मेरे बारे में पूछेगा, तब तुम क्या जवाब दोगी पता क्या है? जवाब दूँ? वो बाबा मुझे एक नंबर का पाखंडी लग रहा था। बेटी इसे देखकर लग रहा है महाराज की पदवी ग्रहण करके आया है। दादाजी न्यूज चैनल लगाइए, कौन सा स्वामी दुनिया से उठ गया है ये जाना है। ए, क्या है, मार खाएगी तू? बहू तुम इतनी उदास क्यों हो, क्या हुआ है? असल में बाबूजी, जीवा की जन्म पत्री दिखाई थी, स्वामी जी ने कहा बहुत बेकार है और उसे फेंक दिया। वो क्या हुआ, वो कोई पागल होगा, तुम अपना दिल छोटा क्यों कर रही हो? इतना ही नहीं बाबूजी, उस फेंकी हुई जन्म पत्री को एक बुजुर्ग साधु ने अपने हाथों में उठा लिया और कहने लगा ये एक महान जन्म पत्री है, उन्होंने कहा कि ये एक श्रेष्ठ इंसान की है। उतना ही कहते तो दुख नहीं था, पर कहा आप उसके दादा ही नहीं है, उसके दादा एक महात्मा है, पुण्य आत्मा है। ऐसा मैं ना जाने क्या क्या कहा, जीवा ने मुझे उनसे बात ही नहीं करने दी, मुझे वहाँ से खींच कर ले आया। उनकी बातें सुनने के बाद मुझे बहुत फिक्र हो रही है बाबूजी। पाखंडी बाबा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आप एक साधारण पोस्ट मास्टर है और यही रह रहे, आप कौन सी दुनिया में चले गए दद्दू? उन्होंने क्या कहा बेटा? अरे छोड़ो उसकी बातों को। उन्होंने क्या कहा? यही कि मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, तुम्हारे जन्म का सारा रहस्य जानता हूँ, ऐसे ही कुछ। मुझे उनसे अभी मिलना। मुझे उनसे मिलना है। अरे लेकिन इसलिए? बस मुझे उनसे मिलना है। लेकिन वजह क्या है? मैं तुम्हारा दादा नहीं। इतना ही नहीं, तुम्हारे पिता भी मेरे बेटे नहीं हैं। आखिर कहना क्या चाहते हैं दादाजी? तुम मेरे पोते नहीं हो। आज से बहुत साल पहले एक अंधेरी रात में मैं अपनी बीमार माँ को लेकर जंगल के रास्ते से जा रहा था, अचानक एक औरत ने आकर एक नन्हे से बच्चे को मेरी माँ की गोद में डाल दिया और कहा इसकी जिंदगी खतरे में है, इसे बचा लीजिए, और वो वहाँ से चली गई। उस बच्चे को मेरी माँ ने मेरी गोद में डालकर कहा अब इसे संभालने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। वो बच्चा कोई और नहीं था जीवा, तुम्हारे पिताजी थे। मैं सच कह रहा हूँ जीवा, तुम लोगों से मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं है, मैंने आज तक शादी ही नहीं की। अरे जीवा, तुम लोग तो सिर्फ इतना जानते हो कि तुम्हारे पिता एक ड्राइवर थे और एक एक्सीडेंट में मारे गए, लेकिन सच बात तो यह है कि उन्होंने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। वो पुलिस डिपार्टमेंट के टॉप लेवल के अंडरकवर एजेंट थे। मुझे ये सारी बातें उनके देहांत के बाद पता चली। उन्होंने सैकड़ों जाने बचाई हैं, वो मामूली नहीं महान इंसान थे बेटा। ऐसे महान इंसान के बेटे हो तुम, लेकिन तुम्हारे हर कदम से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। ये जब सुनता हूँ तो मेरा कलेजा टूक टूक हो जाता है। तेरे अंदर एक शक्ति है, वो कौन सी शक्ति है ये जानने का वक्त अब आ चुका है, और वो तुम्हें जानना है। जब तुम्हारे पिता इतने महान थे तो तुम्हारे दादाजी वो तो और भी महान रहे होंगे। तुम्हारे जन्म का रहस्य उसी साधु से पता चलेगा। चलो बेटा उन्हें ढूंढते हैं, नहीं तो वो चले जाएंगे। चलो बेटा।
देखिए, हम लोग उस तरफ देखें। आइए ना, कहाँ चले गए? थे ना? तुम वो साधु को ही ढूंढ रहे हो ना? तुम यहाँ पर आओगे, उनके बारे में पूछोगे, ये सब मुझे बता कर गए थे। और क्या कहा? वो किस गांव में मिलेंगे ये भी बताया था। किस गांव में? बाप रे, उनकी बातें अभी भी मेरे कान में गूंज रही हैं। राम दुर्गा। देखो जीवा, तुम्हारे जन्म का रहस्य सिर्फ वो साधु ही जानते हैं, और वो रहस्य जानने के लिए तुम्हें जल्द से जल्द राम दुर्गा जाना है।